अगर आप बाइनांस को फॉलो करते हैं और अगर आप चाहते हैं इसके आईओज में पार्टिसिपेट करना, तो इन लोगों ने एक नया आईओ ला दिया जिसका नाम है बीटा। बीटा फाइनेंस है ये, इसको बीटा ही बोलेंगे और तो पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन बीटा फाइनेंस जो है इसका अनाउंसमेंट इन लोगों ने 3:30 PM अभी इंडियन टाइम पे करा था। और उसके बाद BNB अगर आप यूज करते हैं या ट्रेड करते हैं या कुछ भी, तो उसका प्राइस ऐसे मार्केट में जब सारे के सारे कॉइन्स नीचे जा रहे हैं, अचानक से एक बहुत बड़ी ग्रोथ दिखाया है इसने और अभी अभी ये लगभग जो है 29,000 के आसपास जाके आया है। मैं इसके लिए, ये जो आईओ है, जो भी छोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए बोलूंगा कि आप आईओ को फोकस ना करते हुए सबसे पहले अगर आपको BNB में अगर ग्रोथ मिले, जैसे अभी तुरंत नहीं बाय करें, ऑलरेडी 7.76 है, एक बार थोड़ा सा ये नीचे आएगा और उसके बाद से इसका प्राइस ऊपर जाएगा। और बाइनांस ने एक मेंटेनेंस अनाउंस करा थोड़ी देर पहले, दो घंटे का प्रॉब्ली एक मेंटेनेंस था और उसके बाद लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि BTC का प्राइस ऊपर जाएगा। जनरली ऐसा हुआ है तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ इसका प्राइस भी BTC ने भी ग्रोथ दिखाया है, लेकिन इनका नया आईओ है बाइनांस, इसमें बहुत ही एक्सपर्ट है, उसको पता है कि उसके क्वाइन का प्राइस कब ऊपर ले जाना है। और ये जो क्वाइन है बीटा फाइनेंस, अगर आप चाहते हैं इसमें पार्टिसिपेट करना, सबसे पहले मैं बता दूं ये छोटे मोटे ट्रेडर्स के लिए नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा आप अपना जो है BNB होल्ड करके रखें और सोचे मुझे बहुत सारा क्वाइन मिल जाएगा, क्योंकि इनका कहानी थोड़ा अलग होता है और जैसे ये कैलकुलेशन करते हैं वो बहुत ईजी नहीं होता है। मैं बता देता हूं, कल 30th को, सेप्टेम्बर 30 को 5:30 PM शाम को इसका शुरू हो जाएगा, जो कैप्चर करेंगे ये आपका कितना BNB आप होल्ड कर रहे हैं 8 दिनों के लिए। और ये जो है कभी भी इनका टाइम है स्क्रीनशॉट लेने का, जो कि इसको इन लोग जो है लेते रहेंगे, और इसका टाइमिंग हालांकि लिखा हुआ है लेकिन सेफर साइड में इसको आपको होल्ड करना पड़ेगा। और ये 0.06 का इसका प्राइस है पब्लिक सेल टोकन का, ऐसा माना जा रहा है। और जो है इनके पास जो है 5% का एलोकेशन ये बाइनांस को दे रहे हैं टोटल टोकन सप्लाई। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा कि हाँ ये कुछ अलग कर रहा है, ये जो प्रोजेक्ट है बाकी प्रोजेक्ट्स की तरह ही है, वही लेंडिंग वगैरह डिफाई वगैरह से रिलेटेड मैंने इसको देखा था जाके कि ये करना क्या चाहते हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीजें इसमें नहीं दिखी। लेकिन हाँ बाइनांस का आईओ है, जनरली ये अच्छा करता है। $0.06 का इसका प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस जो होगा जब शुरू होगा, अगर जिसको मिलता है उसके लिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले आप जो है इसमें, आप अगर चाहें तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आप जो है इसमें BNB को जो है बाई सेल करके स्कैल्पिंग करके अभी फायदा उठा सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप टोकन सेल में पार्टिसिपेट करें वो आपकी मर्जी है, आप उसको चाहें होल्ड करना 8 दिनों के लिए तो कर सकते हैं। तो ये है, और उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है अगर आपको और पढ़ने हैं तो आप जो है यहाँ क्लिक कर सकते हैं, इनका जो है यहाँ पे रहता है पूरा का पूरा कि कैसे क्या करेंगे नहीं करेंगे। वो इतना कंफ्यूजिंग सा होता है कि आप जो है उसमें समझ भी नहीं पाओगे। तो मेरा यही राय है यहाँ पे कि बीटा फाइनेंस को जो छोटे ट्रेडर हैं वो टारगेट नहीं करते हुए आप जो है BNB में अच्छा से अच्छा प्रॉफिट बुक कर लें। और जो है जब इसकी ट्रेडिंग शुरू होगी तो वो ऑब्वियस ही बात है बहुत अच्छे ग्रोथ के साथ होगी, उस समय अगर आपको मौका मिलता है। हालांकि प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है उस समय, लेकिन एक डिप में मिले तब भी हम लोग इसको ट्रेड करने का बाद में सोच सकते हैं। लेकिन अभी का जो मार्केट सिचुएशन है उसके हिसाब से मैं BNB में एंट्री ले रहा हूं। अभी BNB चल रहा है 28,500 का, आप देख सकते हैं यहां पे, और जब भी ये थोड़ा सा नीचे और आता है 28,000 के आसपास तो आप इसको लपक लें, आप इसके साथ ट्रेडिंग। देखिए यहां पे ऑर्डर लगा हुआ है 367 BNB का, तो जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो ऑलरेडी इसमें एंटर कर चुके हैं, और ये छोटे ट्रेडर्स को जो है उनके बस का बात नहीं होता है क्योंकि अब BNB का प्राइस बहुत ज्यादा है। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहिए, साथ ही इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि यहां पे बहुत अच्छे से गाइड किया जाता है और कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बताया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में और बढ़िया कंटेंट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू, बाय बाय।